तो जब बात आता है साइबर सिक्योरिटी को लेके और प्राइवेसी को लेके, तो अक्सर लोगों के मन में ऐसा आता है कि मैं तो एक सिंपल इंडिविजुअल हूँ, तो कोई मुझे हैक क्यों करेगा, कोई मेरे ऊपर साइबर अटैक क्यों करेगा, कोई मेरे ऊपर स्पाईवेयर क्यों करेगा। तो ये एक लोगों के मन में बहुत ही गलत बात है। इस वीडियो का आप लास्ट तक देखते रहिए और इसी वीडियो में हम बताएंगे एक अर्जेंट टॉपिक के बारे में जो कि एक लेटेस्ट न्यूज है। हेलो यूट्यूब, राकेश शुभंकर फ्रॉम दिस साइड, एंड ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स हैव सम टेक बाइट्स। तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक वीडियो बना के, क्योंकि ये काइंड ऑफ मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप चैनल पे नए हो और मेरे सारे के सारे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो, उसमें से ज्यादा वीडियो होगा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड और प्राइवेसी के रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं और ये मेरा एक काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक है। अगर बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो ये चीज नया नहीं है, बहुत सालों से है। आपको पता होगा WannaCry रैंसमवेयर के बारे में, जो कि हुआ था 3 साल पहले, बहुत लोग अफेक्टेड हुए थे। वो चीज़ भी उस टाइम के लिए नया नहीं था, बहुत पहले से ये चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी बहुत साल से है। वायरस चीज़, ट्रोजन नाम का चीज़, इसे बहुत सारे चीज़ बहुत पहले से है, बट लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जब वो किसी भी ट्रेजेडी में फंस जाते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है। तो रैंसमवेयर जो हुआ था, साइबर अटैक, एक बहुत ही लॉन्ग स्केल में, बहुत ही बड़ी स्केल में हुआ था और एक ग्लोबल वाइज हुआ था, और उसके बाद में थोड़ा लोगों को ये इसके बारे में पता चला, ज्यादा लोगों के पास ये बात पहुंचा। ये हुआ था 3 साल पहले। नाउ अभी अगर बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज के बारे में, तो CERT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि इंडिया का है, उन्होंने बताया है इंडिया के लोगों को और छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कि इंडिया में अभी एक साइबर अटैक हो सकता है, बहुत ही बड़े बड़े साइबर अटैक करने वाले हैकर ग्रुप से। उनका कहना ये है कि ये अटैक हो सकता है मेल के जरिए या फिर SMS के जरिए, ज्यादा चांस है आपके जो ईमेल आईडी है उस पे साइबर अटैक का मेल आ सकता है, और इसके जरिए आप एक इंडिविजुअल हो या फिर एक छोटे या फिर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली ये मेल में कुछ इस टाइप का रहेगा कि आपके COVID-19 का टेस्ट हो रहा है, तो आप चाहो तो फ्री में टेस्ट कर सकते हो आपके रेस्पेक्टेड सिटीज में। ये बात तो आपको भी पता है, जब भी फ्री का नाम कहीं पर भी लिखा होता है, लोग मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ही अंदर से और जाते हैं क्लिक करते हैं। ऐसे में ये बहुत ही इजी बन जाता है साइबर अटैकर ग्रुप को अटैक करने के लिए, स्पाई करने के लिए। और एक जो बहुत ही बुरा चीज़ है और बहुत ही गंदा वाला चीज़ यही है कि उनका जो ईमेल आईडी होगा और उसका जो डोमेन नेम होगा, यानी कि जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है techcookies31@gmail.com, वैसे ही उनका जो डोमेन होगा वो होगा @gov.in, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक ओरिजिनल साइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, और उसी के थ्रू में बिजनेस ईमेल आईडी जनरेट होता है। तो आपको या मुझको या फिर जो भी उस मेल को देखेगा, उसको यही लगेगा ये एक जेन्युइन मेल है, और वो जाएगा, क्लिक करेगा लिंक के ऊपर और रजिस्टर करेगा फ्री COVID-19 टेस्ट के लिए अपने रेस्पेक्टेड सिटीज में, और आप जाके उसको डाटा डायरेक्ट दे दोगे, आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह वगैरह। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक नोटिस जारी किया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी मेल आता है कि फ्री कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए, तो बिल्कुल भी क्लिक मत करो, ये एक साइबर अटैक हो सकता है, ऐसा एक न्यूज मिला है। और उसी के साथ साथ उनके पास 20 लाख ईमेल आईडीज है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो अगर हम बात करते हैं इस चीज़ के सोल्यूशन के बारे में, तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको बनना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया में। स्मार्ट आप ऐसे बन सकते हो, जब भी आपके पास कोई भी मेल आ रहा है तो चेक करो क्या है डोमेन नेम, जाके वेबसाइट भी चेक कर लो ओरिजिनल है या नहीं है। स्पाईवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए आ सकता है आपके कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हमेशा पायरेटेड चीज़ को अवॉइड करो, जेन्युइन चीज़ को यूज करो। और उसी के साथ साथ किसी भी अगर वेबसाइट को विजिट करो, किसी भी अगर लिंक के ऊपर क्लिक करो, तो थोड़ा उससे पहले चेक कर लो कि लिंक जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही लेट से देख रहे हो और ये वाला जो अटैक के बारे में हम बोल रहे हैं, अगर आपके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि आपके पास मेल आया था फ्री कोरोना वायरस टेस्ट को लेके और आपने क्लिक करके सारा का सारा डाटा उनको दे चुके हो, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इस साइड में एक कोने में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जल्दी से जाओ उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
वहां पे एक ईमेल आईडी मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CERT का है, तो वहां पे जल्दी जाओ। आप उनके वेबसाइट में भी जा सकते हो या फिर उनको मेल कर सकते हो। आपके सारे का सारा डेटा ऐसे हैक हो चुका है और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो। रेफरेंस के लिए, अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो तो, अगर आप इस वीडियो को जल्दी देख रहे हो तो ऐसा आपके दोस्त के साथ और आपकी फैमिली मेंबर के साथ ना हो, तो इस वीडियो का आप शेयर कर सकते हो अपने सभी के सभी दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर के साथ में, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हैंडल लीजिए आ रहा है इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।